पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर ने कोविड केयर सेंटर के शुभारंभ के अवसर पर हम सबको मिलकर अपने अपने हिस्से का पर्यावरण शुद्ध करना होगा, बस आप सब अपने अपने खाते का पर्यावरण शुद्ध करें, तीसरी लहर हिंदुस्तान को छू नहीं पाएगी। उन्होंने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए सभी को सुबह 10 बजे यज्ञ में आहुतियां डालनी है। क्या यज्ञ में दो आहुतियां डालने से कोरोना दूर हो जाएगा? इस बारे में कई मत हो सकते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर का कहना है, यज्ञ करना कोई कर्मकांड नहीं बल्कि यज्ञ चिकित्सा है, इसीलिए सभी आगे आएं और हाथ में अपने हिस्से की दो आहुतियां यज्ञ में डालें। कोविड सेंटर से शुभारंभ अवसर पर मीडिया से चर्चा में मंत्री उषा ठाकुर ने कहा, तीसरी लहर के लिए हम जागृत हैं और तीसरी लहर से भी निपट लिया जाएगा, बस आप सब अपने खाते का पर्यावरण शुद्ध रखें, तीसरी लहर हिंदुस्तान को छू नहीं पाएगी। उन्होंने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए सभी को सुबह 10 बजे यज्ञ में आहुति डालनी है। प्रार्थना करते हैं और आप सबसे प्रार्थना करते हैं कि पर्यावरण की शुद्धि के लिए अभी 10, 11, 12 और 13 सुबह 10 बजे सब लोग एक साथ आहुतियां डालें, पर्यावरण को शुद्ध करें, क्योंकि महामारियों के नाश में अनादिकाल से इस यज्ञ की पावन परंपरा, ये यज्ञ चिकित्सा है, ये धर्मांधता नहीं है, ये कर्मकांड नहीं है, ये यज्ञ चिकित्सा है पर्यावरण को शुद्ध करने की। तो आइए हम सब दो आहुति डालें और अपने खाते का पर्यावरण शुद्ध करें, तीसरी लहर हिंदुस्तान को छू नहीं पाएगी। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।